हेलो विवस, आप लोग की सपोर्ट से मेरे, आपने दिखा होगा सब्सक्राइबर मेरे 400 हो गए हैं, तो थैंक यू फॉर योर हुड सपोर्ट। नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन, अभी तक मैं शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी, लेकिन आज मैं कुछ टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ और एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज इंडस्ट्रीज। पहले तो मैंने इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का जो डिफिनेशन है वो शॉर्ट्स में अपलोड किया है। नाउ आई एम गिविंग योर डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज, आपको पता है जिस तरह से खाना बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, तब हम जाके कोई खाना कुक कर पाते हैं, तब हम अपनी मनचाही कोई डिशेस को प्रिपेयर कर पाते हैं, वैसे ही इंडस्ट्री तभी तैयार होगी जब हमें उसको उसमें मैन्युफैक्चर्स होने के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज व्हाट इज दैट इज बेस्ड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो प्रोसेस होते हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स और एनिमल्स से रिगार्डिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल के लिए हमें क्या चाहिए, कॉटन, जूट, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स। और सिल्क इंडस्ट्री के लिए हमें चाहिए सिर्फ जो हमें मिलता है सिर्फ, वो हम एक तरह का एनिमल, एक तरह का इंसेक्ट। कई सारे लेदर है ना, लेदर हमें मिलता है तो वो किसे मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है वो किस पे डिपेंड है, ऑन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो इंडस्ट्रीज जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्रोडक्ट पे डिपेंड हो दैट वी कॉल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन मरीन बेस। मरीन मतलब क्या, तो वाटर का एरिया को हम मरीन बेस कहते हैं। तो वाटर में रहने वाले जो सीज एंड ओशन के प्रोडक्ट को जब एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो दैट इज दैट type of industries is known as marine based industries, where we are processing seafood, जहाँ हम seafood को process करते हैं, जहाँ हम fish को oil को बनाते हैं। Next type of industry is mineral based industry। तो वो industry जो धरती से मिलने वाले minerals को, rocks को use करता है और उससे जो है प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स को कंप्लीट करता है, तो दैट इज नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, कई सारा जो आपको यूजफुल रॉक्स मिलते हैं जो एक फैक्ट्री में फाइनली जो है तैयार किए जाते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री में होगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपको पता है आयरन, हमें कभी भी आयरन एक तरह का मेटालिक मिनरल है जो कभी हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, तो उसको हमें एक ओर से निकालना पड़ता है, तो इसलिए उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तभी तो जाके आयरन हमें मिलेगा और उस आयरन से हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। देन पास्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री। पास्टोरल इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री जो एनिमल्स को, प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल सेल है ना, कपड़े बनाने के लिए, बोन्स, ज्वेलरी बनाने के लिए, कई सारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है, एग्स, फ्लैश है ना, उसको यूज़ करता है और कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो रॉ मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, आपका मैचेस है, आपके जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को हम एज अ गुड्स के रूप में यूज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो इंडस्ट्री जहाँ पे ये तैयार होता है उसको हम कहेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब कितने तरह के इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, 5, एग्रो, मरीन, मिनरल, पास्टोरल एंड फॉरेस्ट। देन आप देखोगे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज होती है, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो उनके साइज के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कॉटेज में होने वाला मैन्युफैक्चरिंग वर्क। तो उसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हाथों के द्वारा होता है या छोटी सिंपल मशीन के द्वारा होता है, आर्टिशंस होते हैं, बहुत ज्यादा पीपल्स नहीं होते हैं, तो ऐसे और ये लोकली एरिया अवेलेबल जो है एक इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री जो लाखों रुपए में या कभी कभी बहुत ही उससे भी कम अमाउंट में तैयार हो जाते हैं और वहां मैन्युफैक्चर होता है गुड्स को, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को जो लोकली एरिया में बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। इस तरह की इंडस्ट्री एक कमरा भी हो सकता है, ठीक है। देन अनदर टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें 1 करोड़ से भी कम पैसे का कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं, है ना, वो कम उसमें या 10 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब करोड़ से उसमें कम होता है, और उसमें जो है एक वूनर होता है, एक अकेला मालिक होता है, कई सारे पीपल्स होते हैं, मशीनें भी होती हैं, और इस तरह की जो एरिया एक कमरे से में ये फिट नहीं हो पाता है, इसके लिए थोड़ी लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें करोड़ से कम
में भी वो इंडस्ट्री तैयार हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ठीक है, नाउ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, थर्ड जो उसके साइज के बेसिस पे आपको पता चल रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब साइज इन लार्ज, यानी प्रोडक्शन इन लार्ज, पीपल्स इन लार्ज, जहां पे हर चीज लार्ज क्वांटिटी में होगा, पीपल्स भी ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, करोड़ों से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटलिस्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट वाले जो होंगे वो होंगे, इंटरेस्टेड पर्सन भी होंगे, वर्किंग वुमेन भी होंगी, वर्किंग पीपल्स होंगे, कई सारे सपोर्टर भी होंगे, जिसकी वजह से ये लार्ज प्रोडक्शन होता है, जहां लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है और लार्ज पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और इसके लिए कई हेक्टेयर लैंड की भी जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एंड दीज आर द साइज ऑफ इंडस्ट्रीज विच आई हैव टोल्ड यू. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.